من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن आज बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़े असर जामा मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुखातब फरमाएंगे मोहम्मद मोइज़ुद्दीन इंजीनियर साहब, जिसका उन्वान है मुस्लिम दुनिया की पिछली 100 साल तारीख। मैं हज़रत क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि हम तमाम को मुखातब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व असहाबी अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज का जो उन्वान है मुस्लिम दुनिया के पिछले 100 साल, ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि वैसे तो मुस्लिम तारीख का अगर हम जायज़ा लें तो 1450 साल करीब, और इन तमाम सालों की एक तारीख है, और आज हम जो है जैसे हैं इस तारीख का कुछ ना कुछ असर इस आज के दौर में नज़र आता है। मगर अगर हम पिछले 100 साल की तारीख देखें तो हम देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा असर आज हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज हम जिन हालात में हैं, उन पर पड़ता है। हर 100 साल की अगर हम तारीख़ देखें तो कुछ ना कुछ बड़े बड़े वाक़यात उसमें हुए। पहले रसूल अल्लाह का दौर, उसके बाद खुल्फ़ाए राशिदीन का दौर, मुस्लिम फतूहात, पूरा अरब मुसलमान हो गया, पूरा ईरान मुसलमान हो गया, मिस्र, और फिर खिलाफत बनू उमैया, बनू अब्बास, उसके बाद फिर खिलाफत उस्मानी। इस्लाम के इस दौर ने कई उतार और चढ़ाव दुनिया ने देखे, मगर 1900 के बाद, खुसूसी तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद की जो तारीख है वो इतनी अहम है कि इसने इस दुनिया को ऐसा लगता है कि बहुत दौर तक ये चेंज होना मुश्किल है। मसलन बहुत से ऐसे वक्त आया कि मुसलमानों पर हमले हुए, मंगोलों के चंगेज़ ख़ान ने तबाही मचाई, मगर फिर इस्लाम बहुत जल्दी उससे उभर गया। और भी ऐसे अहम वाक़यात हुए जब इस्लाम पर, मुसलमानों पर तकालीफ आई, मगर कुछ ना कुछ फिर उसके ख़िलाफ़ में एक तहरीक उठी। कॉलोनियलिज्म आया, ब्रिटिश ने पूरे जो है तकरीबन बहुत सी मुसलमान ममालिक पर कब्ज़ा किया, डच ने कब्ज़ा किया, फ्रेंच ने कब्ज़ा किया, मगर फिर भी 50-100 साल, कुछ केसेस में 100-125 साल में इन मुसलमान ममालिक ने उनके कब्ज़े से छुटकारा लिया और ये फिर से उभर कर सामने आई। मगर अगर पिछले 100 साल का जायज़ा ले तो इनमें कई ऐसे चेंजेस आए हैं, एक सिस्टमेटिक चेंजेस आए हैं दुनिया में, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो जिसने तमाम दुनिया के ममालिक को एक दूसरे से तिजारत, एक दूसरे से मेलजोल को बहुत बढ़ावा दिया, चाहे वो न्यू बैंकिंग सिस्टम हो जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, जो आज पूरी दुनिया में उसका जाल बिछा हुआ है, और चाहे आज का एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हो, ये ऐसे कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस आए मुस्लिम दुनिया में, और
तमाम दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में, कि अब ऐसा लगता है कि 125 साल होने के बावजूद भी कोई एक रास्ता नज़र नहीं आता कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। इन्होंने और इलाके फतह किए और आते आते ये दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत बन गई इस दौर की। इस जैसी उस्मानी खिलाफत या उस्मानी हुकूमत के जितनी पावरफुल और इतनी ताकतवर कोई और हुकूमत दुनिया में नज़र नहीं आती थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए, साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम किया, नए जो है उसको जो है गन पाउडर रेजिम भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ही गन पाउडर से यानी बारूद जो होता है उसके इस्तेमाल का आगाज़ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया और किलों को फतेह करने में उसका बहुत इस्तेमाल किया। 1299 से लेकर 1922 तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही। 1922 में इसका ख़ात्मा हुआ, तो अगर अंदाज़ा लगाएं तो 623 साल का इनका दौर रहा। ये 623 साल कोई छोटा मोटा दौर नहीं है, 6 सेंचुरी से ज़्यादा किसी भी हुकूमत का बाकी रहना, कायम रहना एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह ये थी कि ये जो उस्मानी खिलाफत बनी थी, हुकूमत बनी थी, ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज थे। इन्होंने और अगर आप इनकी ग्रोथ भी देखें तो आप देखते हैं कि 1299 से लेके 1450 तक भी इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। धीरे 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 इन्होंने नए नए इलाके फतह किए, यहाँ तक के कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको हम आज इस्तांबुल बोलते हैं वो काफ़ी 200-250 साल के बाद में फतेह हुआ। तो ये धीरे धीरे पहला जो इनका 300 साल दौर था स्लो प्रोग्रेस, स्लो ग्रोथ, और इन्होंने दुनिया के बहुत बड़े खित्ते पर कब्ज़ा किया। और ये कितना बड़ा खित्ता था, इसमें एशिया भी था, इसमें अफ्रीका भी था और इसमें यूरोप का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो अगर आज के जो कंट्रीज़ हैं, आज जिस तरह दुनिया बटी हुई कंट्रीज़ में, उसका अंदाज़ा अगर हम उसको देखें तो अंदाज़ा होता है कि इनकी हुकूमत मॉडर्न डे तुर्की सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में था। आज जो सीरिया है, लबनान है, जॉर्डन है, फ़लस्तीन है, इज़राइल है, इराक़ है और यमन है, ये सारे कंट्रीज़ सिर्फ अरब लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये इनके कब्ज़े में थे। इस तरह ईरान का भी एक बड़ा हिस्सा इनके कब्ज़े में था और नॉर्थ में आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये भी इनके कब्ज़े में थे। यहाँ तक कि इनका बॉर्डर चाइना से जा मिलता था, इसी तरह इनका बॉर्डर नॉर्थ में रशिया से भी जा मिलता था, क्योंकि क्रीमिया जो है, क्रीमिया और यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा जब इनकी पीक थी ये भी सल्तनत उस्मानी के कब्ज़े में था। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा वेस्ट में चले जाएँ तो इजिप्ट, अफ्रीका की बात अगर हम करें तो इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा, उसके बाद लीबिया का एक बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि मोरक्को से इनकी जो है बॉर्डर जाके मिलती थी, अल्जीरिया पर भी इनका हिस्सा था, इनका कब्ज़ा था। ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। फिर अगर यूरोप की बात करें तो जो साउथ ईस्टर्न यूरोप आप जिसको बोलेंगे, जनूबी मशरक जो यूरोप का हिस्सा है, उसके तकरीबन कंट्रीज़ सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में थे, जैसे ग्रीस हो गया और फिर बॉस्निया हो गया, हर्जेगोविनिया हो गया, मॉन्टेनिग्रो है, क्रोएशिया है, हंगरी है, रोमेनिया है, बुल्गेरिया है। इस तरह 27 ऐसे कंट्रीज़ थे जिस पर बना हुआ था सल्तनत उस्मानिया, और इसमें यूरोप की 8-10 कंट्रीज़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी हुकूमत, बहुत कवी हुकूमत जिनसे पूरा यूरोप कांपता था। ये लोग वियन्ना की गेट्स तक पहुंच गए थे, उन्होंने वियन्ना के शहर पर भी सीज कर दी थी, यानी उस पर भी इन्होंने उसका भी मुहासरा कर लिया था। वियन्ना इटली में है, तो इटली तक ये पहुंच गए थे। और अगर ये तो ज़मीन की बात हुई, मगर जो कौमें इनके कब्ज़े में थी उनका भी अंदाज़ा अगर लगा जाए तो ये कोई सिंगल सिर्फ अरब है या सिर्फ तुर्क है, ऐसा नहीं था। ये लोग जिन कौमों पर हुकूमत कर रहे थे, इसमें तुर्क थे ज़ाहिर सी बात है, और इसमें अल्बेनियंस थे, अल्बेनिया पर भी इनका कब्ज़ा था, उसमें सर्ब्स थे, सर्बिया पर भी इनका कब्ज़ा था। ये अलग अलग कौमें हैं जिनके अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। इस तरह ग्रीक, ये अलग कौम है, इनकी हुकूमत में ग्रीक शामिल थे।
और बुल्गार शामिल थे, अर्मेनी शामिल थे, पर्शियंस शामिल थे और अरब्स भी शामिल थे। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको मिल्लत सिस्टम कहा जाता है, मिल्लत सिस्टम, कि जब आपने इतने बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया और आप इतना हेटेरोजीनियस है, इतने अलग अलग अकवाम पर आप हुकूमत कर रहे हैं, तो हर कौम की अलग नीड होती है, उनका अलग कल्चर होता है, उनका अलग सिस्टम होता है, उनको गवर्न कैसे किया जाए। जैसे आज हिंदुस्तान में बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि सबके लिए जो है एक कानून बनाया जाए, ताकि पूरी कौमें हिंदुस्तान में एक ही तरीके से गवर्न की जाए। मगर तुर्क ये तो बादशाह थी, इन्होंने ऐसी गलती नहीं की, इन्होंने ये नहीं कहा कि सब लोगों को एक ही तरीके से गवर्न किया जाएगा, बल्कि एक मिल्लत सिस्टम बनाया जिसके ज़रिए हर कौम के पास अपने कोड्स थे, हर कौम के अपने अपने सिस्टम्स थे, उन्हें अपने कल्चर्स पर, अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी थी। तो यही भी एक वजह थी कि जो रियाया थी वो खुश थी इनसे, और उसने ऐसी कोई ज़्यादा बगावतें नहीं की, और 600 साल से ज़्यादा के अरसे तक ये कायम रही। मगर जाहिर सी बात है, किसी भी हुकूमत हो, दुनिया की पूरी तारीख उठाकर देख लें, जहाँ उरूज है वहाँ जवाल भी है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती ही है। इनको वक्त लगा नीचे आने में, इनको 300 साल लगे। इट वॉज़ अ स्लो डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी धीरे 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 इनका डिक्लाइन हुआ, और इनका जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ 18वीं सदी ईस्वी में, 1750 के आसपास, जो दूसरी कौम हुई थी यूरोप में जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उठ पड़ा था, फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था, तो उसके बाद वहाँ की कौमों ने तरक्की की और इनसे धीरे धीरे कुछ एरियाज लेने शुरू किए। मगर ये जैसे मैंने कहा कि 300 साल लगे इनको ख़त्म होने में, तो ये फिर 18वीं सदी में भी ये हुआ, 19वीं सदी में भी ये इसका सिलसिला और बढ़ा। एक दो वाक़यात 19वीं सदी के मैं बात करते हुए आगे बढ़ूंगा। पहली चीज़ तो ये कि जो यूरोप का इनका एरिया था जिसके बाल्कन्स कहा जाता है, बाल्कन्स असल में एक माउंटेन रेंज है जो बुल्गारिया और सर्बिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इस माउंटेन रेंज में हैं, उसको उमूमी तौर पे बाल्कन्स कहा जाता है, और रोमेलिया, ये इलाके इन्होंने एक जंग हुई जिसका नाम था, जो इन्होंने रशिया से लड़ी, तुर्को रश रूसो तुर्किश वॉर्स 1877 और 1878 में, इसमें इन्हें शिकस्त हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मैदान में ये लोग धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे, और रशिया उस वक्त का सुपर पावर था, रशिया से इनकी जंग हुई, और एक बड़ा हिस्सा बाल्कन्स का जो था वो इन्होंने खो दिया। इसी तरह अल्जीरिया जो था, अल्जीरिया पर भी फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया। फ्रांस भी उभरता हुआ एक सुपर पावर था, अल्जीरिया इज़ इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन ओशन कनेक्ट होता है, मेडिटेरेनियन सी जो है उसका साहिल उसे लगता है, और इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया भी खो दिया। इसी तरह ईजिप्ट पर ब्रिटेन ने कब्ज़ा कर लिया, ब्रिटेन के भी इंटरेस्टेड थे, ईजिप्ट का जो स्विस कैनाल है वो उस वक्त की और आज भी एक बहुत बहुत बड़ा अहम कैनाल है पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए, जो स्विस कैनाल है उससे यूरोप का जितना भी ट्रेड शिप के ज़रिए आता है वो स्विस कैनाल के ज़रिए ही इंडियन ओशन में आता है, और फिर एशिया और यूरोप की जो ट्रेड है उसके ज़रिए होती है। मेडिटेरेनियन सी को जो है कोई और रास्ता तो है नहीं बाहर आने का, एक तो पैसिफिक ओशन में जाता है जो अमेरिका की तरफ है, और अगर आप ईस्ट की तरफ देखें तो स्विस कैनाल इज़ दी ओनली वे। तो उनको इधर इंटरेस्ट था, और बाद में उसकी अलग तारीख है, स्विस कैनाल पर उन्होंने कब्ज़ा किया, फिर इजिप्शियंस ने, मिस्री कौम ने उस पर बगावत की और फिर वापस लिया। बहरहाल इस तरीके से इटली ने लीबिया पर कब्ज़ा किया, इनके एक और इटली से भी हुई, त्रिपोली और फिर लीबिया का एक बड़ा हिस्सा इटली ने इनसे जीत लिया, और मेडिटेरेनियन के बहुत सारे जो जज़ीरे थे ये भी इनके कब्ज़े से चले गए। इस तरह 1877-1888 तक, यानी 20वीं सेंचुरी के आगाज़ से 20-22 साल पहले तक, इन्होंने बहुत बड़ा एक एरिया अपना खो दिया था। 1876 में असल में इनके सुल्तान बने थे सुल्तान अब्दुल हामिद दुआ,
इन्होंने इसको संभालने की बहुत कोशिश की। उस वक्त भी ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, यानी यूरोप का बीमार आदमी, क्योंकि वो अब इतनी ज़्यादा अपने एरियाज़ खो रहा था, उसकी इतनी ताकत उसकी कम होती जा रही थी। मगर सुल्तान अब्दुल हामिद ने बहुत कोशिश की कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए, इस पर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाएँ। तो उन्होंने फ़ौज को तरक्की देने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स कायम किए, मिलिट्री स्कूल्स कायम किए, इंजीनियरिंग स्कूल्स कायम किए, इसी तरह मेडिकल स्कूल्स कायम किए, फाइनेंशियल जो सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश की। मगर शायद इट वॉज टू लिटिल टू लेट, कह सकते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी। और फिर भी उनकी कोशिशों ने 30-35 साल तो इससे इस पर कायम रखा। और 1880s में इनकी एक जंग हुई ग्रीस से और उन्हें ग्रीक को फतेह कर लिया। तो ऑटोमन एम्पायर ने बहुत वक्त के बाद एक जंग जीती, वो ग्रीक के साथ थी। मगर फिर उस वक्त के जो सुपर पावर थे ब्रिटेन फ्रांस, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए और जो इनकी फतेह थी जिसका मैग्नीट्यूड था उसको कम कर दिया। ऐसे एग्रीमेंट्स इनके साथ किए कहने और बांध दिया। एक और काम इन्होंने ये किया कि तुर्क कौम उस वक्त ऑटोमन एम्पायर उस वक्त जो है इंटरनेशनल लोन्स बहुत के अंदर डूबा हुआ था, बहुत मकरूज हो चुका था। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, दुयून ए उमूमिया उसको कहा जाता था। और ये दुयून ए उमूमिया का काम ये था कि तुर्की के तमाम फाइनेंस, जब मैं तुर्की बोल रहा हूँ तो मेरे से मुराद ऑटोमन एम्पायर है, उस्मानी हुकूमत है, इसके तमाम फाइनेंसेस इसके कब्जे में चले गए दुयून ए उमूमिया के ज़रिए। इसे ऑटोमन पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ऑटोमन पब्लिक डेट, क्योंकि इसके सारे जो ऑफिसर थे वो पूरे यूरोपियंस थे और जाहिर सी बात है वो यूरोप के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। तो यहाँ तक कि इनका इतना बुरा हाल हो गया था कि इनके जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे 1/3, उसका करीब 1/3 हिस्सा डेब्ट पे करने में चला जाता। तो जाहिर सी बात है आप सोचिए, एक कंट्री है या एक एम्पायर है, उसका 33% आपका जो रेवेन्यू है वो टैक्सेस में आप बाहर दे रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं, तो आपके पास कितना पैसा बच जाएगा अपनी रियाया के लिए, अपनी रियाया के काम के लिए, मिलिट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तरक्की के लिए, रिसर्च के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि इनकी हुकूमत जो थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। इसके अलावा जैसे एक एम्पायर कई सदियों से चला आ रहा है, 6 सदी हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें करप्शन के भी बहुत सारे मसाइल आ गए थे। नेपोटिज्म, यानी बाप ऑफिसर है तो बेटे को ही ऑफिसर बना रहा है, उसमें काबिलियत की जो है आप चेक नहीं कर रहे हैं, बस उसका जो सिस्टम है कि भाई मेरा फ़ायदा होगा, आज जैसा हमारे पास होता है अक्सर जहाँ जहाँ गुंजाइश है, तो वो भी एक सिस्टम आ गया जिसकी वजह से इनफिशियंसीज, कोताही, काहली और फिर करप्शन का भी एक दौर चल पड़ा जिससे और मसाइल बढ़ते गए। इसके अलावा अगर दूसरी तमाम दुनिया की बात करें तो इस वक्त कॉलोनियलिज्म उरूज पर था, यानी जो ब्रिटेन की हुकूमत थी, चाहे वो हिंदुस्तान पर हो, हिंदुस्तान से मुराद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे वो इजिप्ट पर हो, चाहे वो इंडोनेशिया पे डच की हुकूमत हो, चाहे वो फ्रांस की हुकूमत, डिफरेंट कॉलोनीज़ हों, इस वजह से मुस्लिम जो कौमें थी, मुस्लिम रियायत जो थी वो भी बटी हुई थी और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई उस एरियाज़ को इन्होंने पूरा तबाह कर दिया, उसको पूरा दबा दिया। हिंदुस्तान की अगर हम तारीख पढ़ें तो बंगाल के बारे में आता है कि बंगाल वॉज़ अ वेरी रिच स्टेट, बहुत अमीर तरीन स्टेट था, यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान इसकी जो GDP थी मुग़ल एरा में वो 25% थी पूरी दुनिया की, जितनी जितनी सरमायाकारी होती थी उसकी 25% ऑफ दैट वाज फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया वाज अ वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट, बट जब यहाँ पर ब्रिटेन की हुकूमत आई तो इन्होंने धीरे 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 इंडिया को कमज़ोर करना शुरू किया। तो बंगाल के बारे में आता है कि बंगाल में कपड़े की जो बनावट थी, वहाँ पर बहुत सारे मिल्स थे मैनुअल, मगर ब्रिटेन चाहता था कि इनका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए, जो कपड़ा बुनते थे वो लोग मैनुअली उसको ख़त्म किया जाए और उसकी मशीनें वहाँ बेची जाएं। तो उन्होंने वहाँ के जो तमाम कारीगर थे उसके अंगूठे काट दिए,
ताकि ये लोग कपड़े बना ना सके अपने हाथ से, और फिर ब्रिटिश से उसकी मिल्स ख़रीदें, यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ हो और बहुत सस्ते दामों में फिर वापस वही कपड़ा ब्रिटेन को बेचा जाए। इसी तरह इंडोनेशिया में भी ऐसा हुआ कि जिस चीज़ की, जिस फसल की ज़रूरत यूरोप में होती थी उसी को ही उगाने की इजाज़त वहाँ दी जाती थी, ताकि यहाँ से फिर वो डच इनसे ख़रीदें सस्ते दामों में इंडोनेशिया से, फिर यूरोप में जाकर महंगे दामों में बेचें। ऐसी ऐसी इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई कि मुस्लिम कौम आम तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, जो कौम कमज़ोर हो जाएगी उसमें ताकत का भी जज्बा कम होगा, ताकत नहीं होगी तो वो किसी का मुकाबला भी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंच ने अल्जीरिया में और ऐसे ही कई सिस्टम्स आ गए जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया में भी कई ऐसी तहरीकें उस वक्त उभर रही थी जिनसे, अगर आप सोचें कि इत्तेहाद जो था, मुस्लिम इत्तेहाद, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। चाहे वो वहाबिज़्म की तहरीक हो सऊदी अरेबिया में, जो आज का सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर आपसी इंतशार बढ़ गया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने इस्लाम की खालिस दीन को फॉलो करने की जो उन्होंने तहरीक चलाई उसके खिलाफ़ भी लोग लड़े, और थोड़ा थोड़ा उसमें जो है बटना कौम का इंतशार पैदा हो गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में हो रहे थे जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। इसके अलावा जो सल्तनत उस्मानी थी, जो अब्दुल हामिद थे सुल्तान, 1876 से लेकर 1909 यानी 33 ईयर्स तक इनकी हुकूमत रही। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको संभाले रखा जाए, इसको कायम रखा जाए। एक और तहरीक शुरू हुई थी, ज़ायनिज़्म तहरीक 1897 में, जो यहूदियों ने शुरू की थी, और वो चाहते थे कि यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाया जाए, एक कंट्री बनाई जाए। पहले बात हुई सूडान में इसको बनाया जाए, फिर उन्होंने सोचा कि न्यू मैक्सिको अमेरिका का जो एक स्टेट है वहाँ पर इसको बनाया जाए, मगर फिर आखिर में इन्होंने तय किया कि ये जो है जेरूसलम का जो एरिया है वहाँ पर हम अपनी कंट्री बनाएंगे। तो जेरूसलम तो था उस्मानी हुकूमत के कंट्रोल में, तो एक तरफ से ये भी एक कोशिश, एक तहरीक उनकी शुरू हो गई और उन्होंने ज़ायनिज़्म की बुनियाद पड़ी। बहुत रईस लोग थे, बैंकर्स थे बड़े बड़े, और सियासतदान इनके कब्ज़े में थे। इन्होंने भी एक कोशिश की कि सल्तनत उस्मानी को किसी तरीके से गिराया जाए। थियोडोर हेर्ज़ल जो इसका फाउंडर था ज़ायनिस तहरीक का, तारीख में आता है कि उसने सुल्तान अब्दुल हामिद से कहा कि मैं आपके तमाम खर्चे हम आपके पे कर देंगे अगर आप हमें जेरूसलम में हमारे लिए एक होमलैंड बनाने की इजाज़त दें। मगर सुल्तान अब्दुल हामिद एक बड़े गयूर मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि तुम खर्चों की क्या बात करते हो, अगर तुम तमाम दुनिया की दौलत भी ला कर दे दो तो एक इंच का भी हिस्सा मैं तुमको देने वाला नहीं, एक इंच ज़मीन भी तुम्हारे कब्ज़े में नहीं आएगी। और जब तक वो बाकी थे ऐसा ही हुआ। 1909 तक भी जो है इन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। आखिर में इन्होंने सोचा कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे, जो बाहर से ताकतें थी, जब इनको नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं तो उन्होंने इंटरनल रिवॉर्ड की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑटोमन एम्पायर में अलग अलग अकवाम के लोग थे, इसमें बल्गेरियंस भी थे, उसमें आर्मेनियंस भी थे, इसमें ग्रीक भी थे। इन्होंने इन सबको भड़काना शुरू किया हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इन्होंने बहुत सी मुहिम चलाई। खुद इस्तांबुल में जो है बहुत सारे फसादात हुए, सुल्तान अब्दुल हामिद पे कई बार जान हमले हुए उनकी जान लेने के लिए। और फिर खुद मुसलमानों में एक ऐसी तहरीक आई तुर्क मुसलमानों में, जिसे यंग टर्क मूवमेंट कहा जाता है, यंग टर्क यानी जवान तुर्क वहाँ के, उन्होंने एक तहरीक शुरू की। और असल इस तहरीक के जो पेशरवा थे, जो शुरू करने वाले थे, वो स्टूडेंट्स थे जो मिलिट्री स्कूल से पढ़े थे, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया पे एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका था। यानी पूरी दुनिया ये समझती थी कि ब्रिटिश इतना बड़ा एम्पायर बन गया है, इसने तरक्की कर ली है, इसकी वजह जो है इनकी जो सिस्टम्स हैं वही हैं। तो लोगों को लगा कि भाई हमें भी चाहिए कि तुर्की भी उसी नक्शे कदम पर चले, तुर्की में भी डेमोक्रेसी आए,
तुर्की में भी उसी तरह वेस्टर्नाइज किया जाए कल्चर को, और जो जो हम इस्लाम की बात करते हैं, जो इस्लामी खवानीन की बात करते हैं, इनको एक सेक्युलर निज़ाम से तब्दील किया जाए, यानी शरीयत को हटाकर एक सेक्युलर सिस्टम लाया जाए जिसमें सभी इक्वल हों। और एक इनकी डिमांड थी कि डेमोक्रेसी कायम हो, एक पार्लियामेंट बने, क्योंकि जब ये हुकूमत थी तो इट वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी पूरी फुली तौर पर बादशाहत थी। इसी के पेश नज़र सुल्तान अब्दुल हामिद ने असल में पार्लियामेंट खोला था 1876 में, जब वो तख्त पर बैठे, तख्त नशीन हुए, उन्होंने तुर्किश पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश किया। मगर दो साल में ऐसे हुआ कि जब पार्लियामेंट बनता है तो उसमें हर कौम का रिप्रेजेंटेटिव आता है, और हर कौम के जब लोग होंगे तो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग था। जैसे यहाँ पर हंगेरियन भी थे, आर्मेनियंस भी थे, जो चाहते थे कि उनका अपना एक कंट्री बने, वो इस सल्तनत उस्मानी से अलग होकर अपना एक ग्रेटर हंगरी बने, ग्रेटर आर्मेनिया बने। तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स थे उसको रोका, और 1877 में उन्हें रूसो तुर्किश वॉर हुआ, उसमें बहुत बड़ी शिकस्त हुई, तो सुल्तान ने उसको बर्खास्त कर दिया था। मगर फिर से जो यंग टर्क मूवमेंट आई, इसकी एक मांग ये रखी कि जो है एक फिर से उस्मानी पार्लियामेंट को कायम किया जाए ऑटोमन एम्पायर में, और एक सेक्युलर निज़ाम लाया जाए जो मौजूदा शरीयत का जो निज़ाम है उसको चेंज करे, उसको तब्दील कर दे। तो और वो कामयाब भी हुए। 1908 में अब्दुल हामिद पर इतना प्रेशर हुआ कि उन्हें उसको कायम करना पड़ा, और फिर इसी सिस्टम ने 1909 में उनको माजूल कर दिया, यानी सल्तनत से उनको हटाकर उनके भाई थे जिनका नाम था महमद रिशद, महमद पंजुम में उन्हें कहा जाता है, उनको खलीफा बनाया, खलीफा और सुल्तान, और इनको डिपोज कर दिया। इन्हें निकाल कर सलानिक जो एक सिटी है ग्रीस में आती है, वहाँ पर इनको भेज दिया। अब जैसे ही ये जब सुल्तान अब्दुल हामिद को तख्त से हटाया गया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सबसे बड़ा कांटा था, सबसे बड़ी अड़चन थी ये ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने की, वो हट गई। और 1911-1912 में इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा वेस्टर्न पावर्स को खो दिया, यहाँ तक कि 1914 जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ, तब तक सल्तनत उस्मानिया में सिवाय मुस्लिम कंट्रीज़ के कोई और यूरोपियन कंट्रीज़ बाकी नहीं थे, सारा यूरोप इनके कब्जे से जा चुका था। मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हालात ख़राब होने शुरू हो गए थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक ये जंग तो थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था उस वक्त, उसके और सर्बिया के बीच में थी जंग, मगर फिर इसमें जर्मनी ने हिस्सा लिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ से, और फिर सर्बिया की तरफ से यूके, फिर फ्रांस, इटली, ये सारे कंट्रीज़ ने, और फिर रशिया ने भी हिस्सा लिया। और जाहिर सी बात है, जब एक इतना बड़ा एम्पायर है वो इन तमाम इवेंट से आइसोलेट होकर तो नहीं रह सकता, उनसे अलग थलग तो नहीं रह सकता, तो ऑटोमन एम्पायर ने भी जर्मनी का साथ दिया। और फिर इस जंग अजीम में इनकी बहुत बड़ी हार हुई, और इस हार के बाद तकरीबन तमाम ऐसे तमाम ममालिक जो सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में थे, ये सब इनसे छीन लिए गए। असल में ये एक सोची समझी साजिश थी, एक बहुत बड़ा प्लान था। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जायज़ा लें तो किसी कौम का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि सल्तनत उस्मानिया का हुआ, किसी मज़हब के लोगों का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि मुसलमानों का हुआ। कोई कौम आपस में एक दूसरे के सामने नहीं, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तानी मुसलमान किसकी तरफ से लड़ रहे थे, हिंदुस्तानी मुसलमान ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, पर जब इन्होंने ऑटोमन कौम फौज से इनका मुकाबला हुआ तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ मुसलमान थे, जो भी नुकसान हुआ मुसलमानों का ही हुआ, तो इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये वेस्टर्न पावर्स का एक सोची समझी चाल थी जिसके ज़रिए इन्होंने ये खेल खेला, क्योंकि ये समझ चुके थे कि जब तक मुसलमान एक कौम की तरह हैं, एक जगह ये लोग जमा हैं, तब तक इनके जो प्लान्स थे, इनके जो स्ट्रेटजीज थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी। मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन, आज कोई शायद ही कोई दुनिया होगी, कोई शायद ही कोई कंट्री होगी इस दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन के जाल से बची हुई है। आप देखते हैं, आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको जर्मन कार भी बिकती है,
अमेरिकन कार भी बिकती है, चाइनीज़ कार भी बिकती है, इंडियन कार्स भी बिकते हैं, कोरियन कार्स भी बिकते हैं, इसी तरह हर कंट्री में सेम हाल है। अगर आप देखें इंडिया फिर भी एक जो है डेवलप, थोड़ी बहुत डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ टेक्नोलॉजी है, ये अपनी कार बना सकती है। मगर अगर आप कोई छोटी कंट्री का जायज़ा लें तो क्या उसके पास टेक्नोलॉजी होगी ये सारी चीज़ें बनाने की? क्या उसके पास उतनी ताकत होगी, उतना सरमाया होगा, उतने इंजीनियर्स होंगे? जाहिर सी बातें नहीं होंगे। तो जब आप हर चीज़ बाहर से ख़रीदने लगेंगे तो आपकी जो इनकम है आप कहाँ खर्च हो रही हो? इट इज़ नॉट बीइंग स्पेंट इंटरनली, ये तो आप दूसरे जो पावरफुल मालिक हैं उनको दे रहे हैं। तो जो पावरफुल है वो और पावरफुल हो रहा है, और जो कमज़ोर है वो और कमज़ोर हो रहा है। और ये जो सिस्टम बनाया गया था उसका मकसद भी यही था कि जो ताकतवर थे वो चाहते थे कि वो और ताकतवर बने। और आज हम देख रहे हैं कि धीरे 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 जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं वो हैं तो चल तो रही हैं, मगर उनका जो डेट है, जो मखरूज है, वो अगर उनका जायज़ा लिया है तो बहुत परेशान हाल है। आवाम मेहनत कर रही है, टैक्स भर रही है, मगर हुकूमतें जा जा कर, खुद हमारे स्टेट का जायज़ा लें, हमारी कंट्री का जायज़ा लें, लाखों करोड़ों करोड़ों का कर्ज़ है हिंदुस्तान पर। और क्यों है कर्ज? क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट है बाहर का वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, हम उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक उस्मानी खिलाफत होती तो जितने भी कंट्रीज़ थे उस्मानी खिलाफत के कंट्रोल में, वहाँ एक ग्लोबलाइजेशन चलने वाली नहीं थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक जर्मन बिजनेसमैन ने कार्स लाकर इस्तांबुल में सुल्तान को दिखाया कि मैं बेचना चाहता हूँ। उस वक्त तक वहाँ पर कार का रिवाज नहीं था, ट्रेन्स तो आती थी मगर उनके पास जो बुलक कार्ट्स होती हैं, जो बैल मंडी होती है, बैलगाड़ी होती है, उसी के ज़रिए उनका सफ़र होता था सिटी के अंदर। मगर सुल्तान ने उसको इजाज़त नहीं दी वहाँ पर डेवलप करने की या बेचने की, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसको बना सकें। दूसरी बात, इनके पास तेल नहीं था कि वो जो है उस तेल के, पेट्रोल नहीं था जिसमें जो डालकर इसको चलाए। तो अगर आप कार खरीदेंगे तो आपको बाहर से फिर पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, डीजल भी खरीदना पड़ेगा, और आपका जो कर्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो उसके अंदर एक दूरंदेशी थी, वो दानिश्वरी थी, जिस वजह से इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि इनका बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो रहा है। तो तमाम वेस्टर्न फोर्स एकजुट हो गए और उन्होंने इसको गिराने की पूरी कोशिश की। तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, अभी वर्ल्ड वॉर वन चल ही रहा था कि 1916 में एक सीक्रेट अग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान, जिसका नाम है साइक्स पिको अग्रीमेंट। जब हमने फ़लस्तीन पर बात की थी उस वक्त मैंने इसकी तरफ इस इशारतन बात भी की थी इस अग्रीमेंट के ऊपर। तो अग्रीमेंट ये हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा कभी ना कभी। अभी 1916 चल रहा है, दो साल हुए हैं और दो साल बाकी हैं, मगर जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम ये ऑटोमैन के जो लैंड्स हैं, जिनकी कंट्रीज़ हैं, उनको कैसे आपस में बांटेंगे? तो अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है मगर ये लोग अपने अपने हिस्सेदारी के बारे में बात शुरू कर रहे हैं। तो इन्होंने प्लान बनाया कि जो है फ्रांस कब्ज़ा करेगा सीरिया और लबनान पर, सीरिया और लबनान फ्रांस को जाएंगे। इसी तरह इजिप्ट का जो एरिया है, इजिप्ट का ऑलरेडी जो है ब्रिटेन के पास था, तो जो फ़लस्तीन का जो इलाका है ये भी ब्रिटेन के पास चला जाएगा। इराक़ जो है वो रशिया के पास चला जाएगा। इसी तरह उन्होंने तमाम उस्मानी जो कब्ज़े थे, जो टेरिटरीज थी उस्मानी, उन पर उनका हिस्सा बकरा करना शुरू कर दिया। ये बाद में पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी वी आर प्लानिंग दिस। मगर फिर 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन हुआ। बालफोर जो एक ब्रिटेन के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, ऑफिसर थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन में रॉथस्टाइल को लिखा कि हम जो है वी आर कमिटेड टू बिल्डिंग अ नेशन, अ कंट्री फॉर द ज्यूइश पीपल इन द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। यानी हम फलस्तीन की सरजमीन पर हम कमिटेड हैं कि हम एक ज्यूस के लिए, यहूदियों के लिए एक कंट्री बनाएंगे। और इसी तरह इनके जो साजिशें थी वो धीरे धीरे सामने आने लगी। बहरहाल 1918 में वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ। उस्मानी हुकूमत अब बहुत इसे तमाम अपने एरियाज हार चुकी थी, यहाँ तक कि तुर्की पर भी ब्रिटिश फोर्सेस का कब्ज़ा हो चुका था। कुछ हिस्से पर ब्रिटिश फोर्सेस का हुआ था, कुछ हिस्से पर रशियन फोर्सेस का हो चुका था। उसके बाद इनके बीच में कुछ अग्रीमेंट्स हुए, सेवरेस नामी एक अग्रीमेंट था, वो अग्रीमेंट हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लुसेन हुई 1923 में, जिसमें यह तय पाया कि ऑटोमन एम्पायर को पहले ख़त्म किया जाएगा
और 1922 में इसको एक्चुअली ख़त्म कर ही ये लोग कर चुके थे, मगर ऑटोमन एम्पायर ये जो हुकूमत है तुर्की की, जो टेरिटरीज़ इन्होंने हारी हैं उस पर फिर अपना कभी क्लेम नहीं करेगी। जैसे इन्होंने इराक़ हार दिया, इराक़ इनके कब्ज़े से चले गया, मगर अब फ्यूचर में भी क्लेम कर सकते हैं उसको जीतने के लिए। तो इन्होंने इन सब से सबकदोशी अख्तियार कर ली। 1922 में बहरहाल सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। मैंने कहा कि महमद रिशद, जो महमद पंजुम के नाम से जाने जाते थे, ये 1909 से 1918 तक ये खलीफा भी रहे और हुक्मरान भी रहे। 1918 में इनका इंतकाल हुआ। इनके बाद एक और भाई थे, उनका भी नाम महमद था, महमद शशुम जिसे कह सकते, महमद सिक्स, वो सुल्तान बने और वो आखिरी सुल्तान थे। 1922 में सल्तनत ख़त्म हुई और उन्हें तख्ते से हटाया गया, और 1922 में उनकी जगह उनके एक कज़न थे, चचेरे भाई थे, अब्दुल मजीद दुअम, इन्हें खलीफा बनाया गया। मैंने अभी कहा कि 1922 में सल्तनत का खात्मा हुआ, खिलाफत का खात्मा नहीं हुआ। खिलाफत अभी और 2 साल बाकी थी, तो यानी सुल्तान अब्दुल मजीद जो थे वो मुसलमानों के खलीफा तो डिक्लेयर हुए, यानी वो खलीफा रहेंगे, बट ही इज़ नॉट अ एम्परर, वो कोई सुल्तान नहीं है। हुकूमत सारी जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम में कायम हुआ था, उनका जो पार्लियामेंट बना था, और जो मुस्तफ़ा कमाल थे जिन्हें अतातुर्क भी कहा जाता है, मुस्तफ़ा कमाल वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके थे तुर्की के, रिपब्लिक ऑफ तुर्की कायम हो चुका था, सल्तनत उस्मानिया बंद ख़त्म हो चुकी थी, मगर क्योंकि पूरी दुनिया में खिलाफत के लिए मुसलमानों में एक बेचैनी थी, खुद हमारे हिंदुस्तान में 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत तहरीक चली, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट की ब्रिटेन के ख़िलाफ़ कि भाई हम आपके कोई चीज़ ख़रीदेंगे नहीं, आपका काम नहीं करेंगे। इसको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। तो इस वजह से ब्रिटेन ने पहले एक साथ सारी चीज़ें करने के बजाय धीरे धीरे, ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उन्होंने खिलाफत को और 2 साल के लिए कायम रखा। 1922 से 1924 तक अब्दुल मजीद दुअम खलीफा रहे, और फिर 1924 में वहीं की हुकूमत ने, तुर्की की ही हुकूमत ने उनको डिपोज कर दिया, यानी खिलाफत के सिस्टम को ख़त्म कर दिया, ख़त्म करके उनको तुर्की से निकाल कर फ्रांस भेज दिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा अब्दुल मजीद का जो कनेक्शन हमारे शहर हैदराबाद से है वो भी आपको बताते चलूँ। असल में उस वक्त हैदराबाद में दक्कन की जो रियासत थी उसके निज़ाम उस्मान अली पाशा थे। ही वॉज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे। और यहाँ से आपने सुना होगा कि मक्के शरीफ, मदीने मुनव्वरा, यहाँ पर इमदाद जाती थी हर महीना, क्योंकि वहाँ पर इतनी आमदनी नहीं थी। तो उस वक्त जब अब्दुल मजीद को भी डिपोज कर दिया गया, जो आखिरी खलीफा थे, तो बस नाम के खलीफा थे, उनके पास कोई रियल पावर तो था नहीं, बस नाम के लिए उन्होंने रखा था कि मुसलमानों की दिलजोई हो जाए, थोड़े दिन के लिए इनको ठंडा किया जाए। तो जब इनको तुर्की से भी निकाल कर भेज दिया गया तो उनके हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो मोहम्मद अली जौहर जो थे, उन्होंने निज़ाम से रिक्वेस्ट की कि आपके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया है, आप इनकी कुछ इमदाद करें। तो उस ज़माने में एवरी मंथ 300 पाउंड्स निज़ाम में दक्कन के ख़जाने से सुल्तान तो नहीं, जो अब्दुल मजीद थे, खलीफा थे, उनके लिए जाते थे, ताकि उनका नान और नफ़ा जो है, उनका रहना खाना पीना सब आसानी से हो सके। और निज़ाम का सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ नहीं था, कुछ वक्त बाद अब्दुल मजीद की एक बेटी थी जिनका नाम था दुर्रुशहवार। दुर्रुशहवार ये जो आखिरी सुल्तान थे अब्दुल हमीद से, इनका अक्सर लोग रिलेशन बताते हैं, असल में अब्दुल मजीद की बेटी थी। तो दुर्रुशहवार से इनका निकाह, इनके बेटे आज़म जाह जो थे, जो बड़े बेटे सुल्तान उस्मान अली ख़ान निज़ाम के, उनकी शादी की बात हुई। तारीख में आता है कि सुल्तान ने 50,000 पाउंड महर में मांगे, 50,000 पाउंड, क्योंकि बहुत बड़ी रकम थी उस दौर के हिसाब से। मगर बहुत सारी आता है कि बहुत नेगोशिएशंस हुए इनके बीच में कि भाई नहीं, 50,000 नहीं, 25,000 करो, फलाना करो। आखिर में ये तय हुआ कि सुल्तान के आज़म जाह, निज़ाम के जो बड़े बेटे थे, आज़म जाह की शादी दुर्रुशहवार से होगी,
इसी तरह इनके बाद जो बेटे थे मुअज्जम जाह, जिनके नाम से मुअज्जम जाह मार्केट है, जो दूसरे बेटे थे निज़ाम के, उनकी शादी उनकी दूसरी बेटी से होगी और 50,000 पाउंड निज़ाम उनको देंगे और इस पर इनका जो है महर का अग्रीमेंट हुआ। और यहाँ से ये दोनों शहजादे गए लंदन, गए लंदन में इनकी शादी हुई। लंदन में शादी दुरेशवार से तो हुई, मगर जो दूसरी बेटी थी अब्दुल मजीद की, उनसे उनके से निकाह के बजाय मुअज्जम जाह को नीलोफर पसंद आई। नीलोफर इनकी एक कज़न थी, शी वॉज नॉट द रियल सिस्टर, वो रियल सिस्टर नहीं थी, तो इन्हें नीलोफर बहुत पसंद आई। तो मुअज्जम जाह ने नीलोफर से शादी की, आज़म जाह ने दुरेशवार से शादी की और ये दोनों शहजादे इन शहजादियों को लेकर हैदराबाद आए। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि जो दुरेशवार हॉस्पिटल है वो प्रिंसेस दुरेशवार ने क़ायम किया, नीलोफर हॉस्पिटल है प्रिंसेस नीलोफर ने क़ायम किया। और इस तरह हैदराबाद के भी एक कल्चर में जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसके लिए ये दोनों ख़वातीन बहुत ज़िम्मेदार रही हैं, क्योंकि उन्होंने औरतों की तालीम के लिए और जिस तरह की उनकी खुद की लाइफस्टाइल थी, आमतौर पे हमारे जहन में आता कि खलीफा थे अब्दुल मजीद तो बहुत दीनदार होंगे, माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होगा, मगर इतना ज़्यादा थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उनके उनकी फैमिली पर भी था। ऐसा कोई जैसे स्कर्ट्स पहनना इट वॉज़ कॉमन इन तुर्की उस ज़माने में, तो उसका भी इन्फ्लुएंस हैदराबाद के कल्चर पर रहा। तो ये कुछ इनका इन्फ्लुएंस भी था। बहरहाल सुल्तान अब्दुल मजीद के जो दो जो बेटी थी और उनकी फिर जो भतीजी थी, वो दोनों यहाँ पर शहजादियाँ बनकर आई। और निज़ाम दक्कन का एक बहुत बड़ा रोल रहा कि इनको जब डिपोज करने के बाद इनकी जो इमदाद की और इनकी जो है हेल्प आपने की, उससे उनका बहुत फ़ायदा हुआ। हजरत, मैंने कहा था कि आज का उन्वान 100 साल की तारीख है, तो जाहिर सी बात है 100 साल की तारीख को एक नशिस्त में मुकम्मल तो नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो World War I है, फिर World War II है, और इसके बीच में बहुत सारे वाक़ियात हैं, उसके बाद के बहुत सारे वाक़ियात हैं। मेरी ये कोशिश है, मेरा ये इरादा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसे एक तसलसल के तौर पर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँ। अगली नशिस्त तभी भी हो इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा कि World War I के ऊपर और थोड़ी देर बात करूं, उसके और तफसील में जाएं, उसके बाद और आगे बढ़ें, उसके बाद दुनिया का क्या हुआ, कैसे अलग अलग कंट्रीज़ बनी, सीरिया कैसे बना, इराक़ में क्या हुआ, फिर जो बगावतें अरबों ने ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ की थी, उस्मानियों के ख़िलाफ़ अरबों ने जो बगावतें की थी वो कैसे हुआ, सऊदी अरब कैसे बना, ख़तर कैसे बना, और जो तमाम ममालिक हैं इन पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी कहा गया है सुना गया है उसे कबूल करे। और मैं इसी के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।